बर्तन में वाली न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं फ्लाइंग बीस्ट और ऑल्सो उनकी वाइफ रितु राठी के बारे में। तो क्या भाई जो फ्लाइंग बीस्ट की वाइफ है रितु राठी वो भाई फ्लाइंग बीस्ट को डिवोर्स देने जा रही हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो अभी के टाइम पे भाई ये न्यूज पूरे ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और पूरे ही सोशल मीडिया पे भाई फैल गई है। बेसिकली हुआ क्या कि अभी के टाइम पे जो फ्लाइंग बीस्ट की वाइफ है रितु राठी उनका भाई एक वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर यार जो रितु राठी है वो प्रेमानंद जी महाराज से यार अपनी जिंदगी में चल रही दिक्कतों के बारे में यार बातें वगैरह कर रही होती है। एंड वहीं पर यार वो कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करती है कि जितना वो प्यार अपने पार्टनर को कर रही है उतना प्यार उनको बैक नहीं मिल रहा। एंड ऑल्सो वहां पर प्रेमानंद जी महाराज से ये भी कहती हैं कि वो अपने दोनों बच्चियों को लेके भाई सेपरेट होना चाहती हैं। मतलब कि आप लोगों को पता होगा कि फ्लाइंग बीस्ट की दो डॉटर्स भी हैं, उन्हीं के बारे में वो बात कर रही थी प्रेमानंद जी महाराज से। एंड जब से भाई ये वाली वीडियो वायरल हुई लोग भाई ये भी कंफर्म किए कि भाई ये जो औरत थी वो सेम भाई रितु राठी भाई लग तो सेम रही है यार नहीं थी। मैं आप लोगों को भाई कुछ इमेजेस वगैरह भी दिखा दूंगा जिससे कि आप लोगों को भी भाई आइडिया हो जाए आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये रितु राठी ही है या फिर कोई और है। बट कई बार में भी ऐसा भी हो सकता है, कई लोगों की बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। बाकी मैं आप लोगों को वो वीडियो क्लिप भी दिखा देता हूं जहां पर यार रितु राठी जो है वो यार प्रेमानंद जी महाराज से अपने क्वेश्चंस कर रही थी, अपने प्रश्न कर रही थी। देखिए आप लोग एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चियों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। यार आवाज भी सेम लग रही है। इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अब की अपनी दो बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी के आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ, श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रय जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परीक्षण छूट जाए। नहीं नहीं, श्री जी का अंदर आश्रय रखे, बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे, गृहस्थ हो, गृहस्थ में बच्चों के अधिकार अनुसार उसके पिता से उसकी संपत्ति उनको दिलाए, उन बच्चों की माँ है और उन बच्चों का पिता वो है, तो वो संपत्ति का अधिकार रखती हैं बच्चियाँ, समय आने पर उनको उस अधिकार की प्राप्ति होगी तो वो भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी। माता पिता का जीवन होता है संतान की व्यवस्था के लिए, किसका प्रश्न है? तो आप समझ पा रहे हैं, नहीं करे अंदर से कहीं आश्रय ना छूट जाए इन सब करते हैं। अंदर से आश्रय भगवान का रखिए, बाहर से प्रयत्न कीजिए, आपको ऐसा कुछ लड़ना झगड़ना तो है नहीं। अगर बच्चे थोड़ा सयाने हो तो उनको उनके पिता के हक को दिला दीजिए, क्योंकि आपके पास इतनी सामर्थ्य तो दिखाई नहीं दे रही, तो उनके पिता के पास तो संपत्ति होगी ही ना। मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकते बच्चों को, तो अच्छे अच्छे पैसे मिलते हैं। पर इसमें ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही, एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चे। यार आवाज बिल्कुल सेम लग रही है ना, पड़ेगा तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। अगर आपके पास ऐसी पर्याप्त संपत्ति है तो फिर कोई किसी से फिर क्या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है, बच्चों को पढ़ा लिखा कर आप उनको उनकी योग्यता प्रदान कर सके, इतनी संपत्ति है आपके पास वर्तमान में? हाँ शायद कर सकती, कर लूंगी। हाँ तो बस फिर हमें लगता है फिर अगर वो स्वेच्छा से दे दे तो दे दे, नहीं झगड़ा मत करो। और एक माँ आप हो जो आप अपने को बलिदान कर रही हो, बच्चों के लिए मेहनत कर रही हो, अपने सुखों का त्याग कर रही हो, परम पति जब साथ है तो नाशवान पति ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता। अब जब से भाई ये वाली वीडियो वायरल हुई है इस पे लोग यार अपना अपना डिफरेंट टाइप के ओपिनियंस दे रहे हैं, लोगों के भाई बहुत सारे कॉमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ कॉमेंट्स भी दिखा देता हूँ। एंड मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि बहुत सारे कॉमेंट्स में भाई सिर्फ और सिर्फ फ्लाइंग बीस्ट को ही हेट मिल रहा है। जैसे ये कॉमेंट, व्हाई डिड यू बेट्रे योर वाइफ, योर व्लॉग्स आर नथिंग विदाउट रितु, दिस मैन इज वेरी इगोइस्टिक एंड फुल ऑफ हिमसेल्फ, शेम ऑन यू गौरव तनेजा, हो गए आप IITian पायलट लॉयर एंड वॉट नॉट बट नॉट अ नाइस पर्सन एंड हस्बैंड। एंड जब से भाई रितु राठी की ये वाली वीडियो वायरल हुई है भाई प्रेमानंद जी महाराज के साथ वाली, तब से भाई यार गौरव तनेजा यानी कि फ्लाइंग बीस्ट को भाई दबा के हेट मिल रहा है पूरे ही सोशल मीडिया। यार एट दिस पॉइंट देखो लग तो सिमिलैरिटी पूरी रही है कि वही है, बट ये भी हो सकता है कि कोई और भी हो सकता है, बाकी चीजों से भी सिमिलैरिटी आ रही है बट कोई और भी हो सकता है। बट यहाँ पे अब रहने वाली है लोगों की बहुत सारी ओपिनियन जो बायस्ड भी हो सकती है, अनबायस्ड भी हो सकती है। एंड ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे लोगों को अपनी ओपिनियन इस टॉपिक में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है। अगर कुछ ऐसा वैसा होता कि पब्लिक करना होता तो वो पब्लिकली इस चीजों को पोस्ट कर लेते हैं दोनों में से कोई भी। वो अगर सच में वही है, वो अगर उधर गए हैं तो उनका ये इंटेंशन नहीं रहा होगा कि लोगों को ये सब पता लगे। ये लोगों ने देखने के बाद एक अपनी वो निकाली है कि शायद मे बी वो हो सकते हैं, है ना। तो लोगों को अभी इस चीज के ऊपर तो वैसे भी बिल्कुल भी कोई जजमेंट देनी नहीं चाहिए, बाकी कोई भी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि पर्सनल मैटर है उनका। मे बी ऐसा कुछ हो, मे बी ना हो, क्योंकि वो पब्लिकली देखो दोनों ही सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, इक्वली एक्टिव हैं। अगर कुछ होता किसी भी साइड से तो मे बी मेरे को लगता है कि शायद कोई ना कोई एक इस चीज को पब्लिक कर ही देता कि ऐसा कुछ है या कुछ ऑफ चल रहा है या मे बी ऐसा कुछ। बट इस चीज के ऊपर लोगों को अपना ओपिनियन
मतलब ऐसा नहीं देना चाहिए, किसी को हेट नहीं देना चाहिए पर्सनली, क्योंकि मे बी यार जो पता चल रहा है इसके अंदर, क्या पता वो इंसान वो है ही नहीं, कोई और भी हो सकता है ना। तो प्लीज किसी को ऐसे हेट मत दो, और आई होप कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि ये वर्स्ट फीलिंग है भाई। फैमिली जुड़ी हुई अच्छी लगती है, जुड़े हुए ही रहना चाहिए, एंड छोटे मोटे झगड़े लड़ाई तो हर किसी के घर में होते ही रहते हैं, तो उन सब चीजों के लिए सॉर्ट हो जाता है यार टाइम के साथ साथ। उनको भी पता है कि वो किस प्लेटफॉर्म पे है, किस लेवल पे है, एंड दोनों का एक म्यूचुअल सपोर्ट रहा है दोनों के साथ, जैसे कि मैंने भी उनके व्लॉग्स देखे हैं पुराने, या सबने ही देखे हैं। तो आई होप कि उनके साथ सब कुछ दोनों के साथ अच्छा हो, एंड एक ब्राइट फ्यूचर हो, एंड कुछ गलत ना हो, आई होप।